हो? सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आज है जन्माष्टमी तो मैंने रखा है व्रत कान्हा जी का, कान्हा जी के लिए। और मैंने आज रील बनाई है फ्रेंड, उसको देखना अच्छी बनी है कि नहीं आप लोग बताएंगे कमेंट करके, तभी पता चलेगा। तो फ्रेंड मैंने ये वाला झुमका तो अभी ऐसे ही डाल दिया, यहाँ पे रखा था इसीलिए। देखो मैंने पहले पहना था ना वो वाला जो था ना, उससे मेरे कान में दर्द हो गया था इसीलिए मैंने उतार दिया है। तो फ्रेंड अभी हम मार्केट जाएंगे, मार्केट से लाएंगे कुछ सामान लाएंगे मार्केट से। और जन्माष्टमी है ना तो बहुत सारी पकवान बनाएंगे कान्हा जी के लिए। और फ्रेंड फिर मैं केक भी लाऊंगी कान्हा जी के लिए, कान्हा जी मेरे हैप्पी बर्थडे करेंगे, हम तालियां बजाएंगे, वो केक काटेंगे। कान्हा जी दो हैं हमारे पास, एक छोटे से हैं एक बड़े से हैं, और एक राधा मैया हैं और दो कान्हा मैया हैं। तो दो मतलब है एक ही, मतलब पहले मैं छोटे लाए थे 3 नंबर के, अब लाई हूँ 8 नंबर के। तो 8 नंबर वाले हैं और 3 नंबर वाले हैं। तो दोस्तों मेरे पास कान्हा जी हैं, हम अभी नहीं दिखाएंगे आपको, शाम को जब हम उनका हैप्पी बर्थडे करेंगे केक कटाएंगे तभी हम आपको दिखाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट और मार्केट से लाएंगे सामान उनको, खाना पकवान बनाने के लिए फ्रूट है मिठाई है जो भी सही लेके आएंगे। अब बस बज गए हैं 4, तो हम जल्दी जल्दी जाते हैं और सारा सामान खरीद के ले आएँ और फटाफट लग जाऊँगी बनाने में, क्योंकि थोड़ा लेट बनाऊँगी क्योंकि 12 बजे उनका जन्मदिन मनाया जाएगा, तो इसलिए थोड़ा लेट बनाएंगे तो मुझे भूख का असर नहीं होगा। ऐसे भूख नहीं लग रही, मेरे यहाँ पे कौड़ी पे दर्द हो रहा है खाली, बस पानी पी लेते हैं तो दर्द बंद हो जाता है। और आज मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे कान्हा जी का बर्थडे है। राधे राधे दोस्तों।